कुल्लू जिला के काईस तिब्बती गोम्पा की पांचवी मंजिल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों व अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग की टीम ने 35 कर दी गई है और बजट का भी प्रावधान किया गया है। उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने कहा कि कुल्लू के सभी 11 वार्डों का ठोस व तरल कूड़ा कचरा वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर संयंत्र में इसका उपयुक्त निष्पादन किया जाएगा और इससे खाद तैयार की जाएगी, जो किसानों और बागवानों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि संयंत्र की स्थापना प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को पूरा करते हुए की जा रही है और इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिला की नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के पार्षदों तथा अधिकारियों ने पालमपुर और इंदौर दोनों ही संयंत्रों का दौरा किया है और इनकी बारीकियों को अच्छी तरह से समझकर कुल्लू और मनाली में अपनाया जा रहा है। यूनुस ने बताया कि कूड़ा कचरा ढोने वाले सभी वाहन GPS युक्त होंगे और कूड़े के उपयुक्त निदान की निगरानी वो स्वयं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कुल्लू के बाद भुंतर उपनगर में भी इसी प्रकार का संयंत्र स्थापित किया जाएगा, इसके लिए जमीन की तलाशी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मनाली में इंदौर की तर्ज पर संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया भी जारी है और 2 माह में इसे भी क्रियाशील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें 1.5 मेगावाट बिजली की क्षमता होगी और मनाली के साथ लगते गांवों तथा ब्यास नदी के तटों के कूड़े का भी समुचित निष्पादन हो सकेगा। उपायुक्त ने कहा कि आनी तथा बंजार में भी इसी प्रकार के संयंत्र स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी गई है और जमीन को भी हस्तांतरित किया जा रहा है। अभी हमें कचरा प्रबंधन में कुछ दिक्कतें आई।